पिछले दो दशकों से जिला सिद्धार्थनगर के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने वाला कपिलवस्तु महोत्सव आज 5 दिसंबर को शुरू हुआ। एक हफ्ते तक चलने वाले इस महोत्सव में भगवान बुद्ध से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्घाटन आज प्रदेश सरकार के आबकारी व मद्य निषेध मंत्री जी प्रताप सिंह ने फीता काट कर व बुद्ध प्रतिमा पर पुष्प चढ़ा कर किया। इनके साथ स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और सदर विधायक व अपना दल विधायक चौधरी अमर सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहे। जिले के स्थापना दिवस पर यह 30वां महोत्सव है। इस वर्ष इस महोत्सव को जिलाधिकारी ने बृहद रूप दिया है। यह महोत्सव हर साल 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिन ही मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष यह महोत्सव 7 दिन तक चलेगा। महोत्सव की शुरुआत जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आबकारी मंत्री ने फीता काट कर दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर मंत्री मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे पहले जो भी सरकारी रहे वह पर्यटन के विकास के प्रति संवेदनहीन रहे। हमारी सरकार पर्यटन के विकास के लिए कटिबद्ध है। वही मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर का कहना है कि पर्यटन के लिहाज से ये जिला काफी महत्वपूर्ण है। इसमें विकास की संभावनाएं बहुत हैं और मनोरंजन की भी बेहतर व्यवस्था की गई है और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आयोजन हुआ था उसमें फिर हम लोगों ने आज फिर मांग किया था कि 15 लाख का बजट अच्छी बात है, जो एक्चुअली आप किसी भी अच्छे महोत्सव को देखे जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत ही कम है। और आज का कार्यक्रम देखने के बाद और जो 7 दिन का आप चला रहे हैं उसके बाद भी हम लोग जाके फिर दोबारा शासन में देखेंगे कि जिस तरह से बड़े आयोजन जो होते हैं लखनऊ महोत्सव जैसे लोग कम से कम हमारा आयोजन देख के हमारा जो बजट है 15 लाख का उसको बढ़ा के कम से कम आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि अगले साल में कोई कमी न आए। शुभारंभ जैसा कि आपने कहा आज शुभारंभ हुआ है और ये 7 दिवसीय महोत्सव है। इस कार्यक्रम के का मुख्य उद्देश्य जो है इसमें सबसे पहले तो जनपद सिद्धार्थनगर के जो जन सामान्य हैं जिनके पास मनोरंजन के लिए उनको एक अच्छा जो सपरिवार जिसके आनंद भाग लिए उसके अनुभव ले सके सर्वप्रथम उन सभी चीज़ों का आयोजन इसमें कराया गया है। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत ही भव्यतम आयोजन इसलिए इसमें शिक्षा मंत्रियों के ग्रामीणों की आंगनबाड़ियों को महिला सशक्तिकरण से संबंधित व अन्य जितने भी हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं उनके संबंधित ट्रेनिंग के सेशन का आयोजन किया गया है। और उन ट्रेनिंग के सेशन के बाद कई जगह व्यक्तिगत और जो सामाजिक दोनों